तो आज हम आपको बताएंगे कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब है, अगर आप एक कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं या तैयार करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सामान चाहिए। ठीक है, तो लेसन शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि कंप्यूटर नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है। ये कैसी बात होगी? ये जैसे हमारे पास कीबोर्ड माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, एसएमपीएस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम इसको कंप्यूटर किसे बोलेंगे? इसमें से कंप्यूटर क्या है? आप अगर खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे मेरे को मॉनिटर दे दीजिए, कीबोर्ड दीजिए, माउस दीजिए, लेकिन कंप्यूटर बोलेंगे तो आप क्लियर नहीं होगा। तो जब इन सारे चीज़ों को मिला के हम एक सिस्टम तरीके से जोड़ते हैं, फिर उसमें काम करते हैं, उसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। एक वर्ड में आपको यहाँ पर छोटे से लिख देता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आप हमेशा इसको सिस्टम ही बोलेंगे। अगर आप सिर्फ सिस्टम बोलेंगे तो भी चलेगा, सिस्टम मतलब ही समझ में आता है कि ये कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप दोनों ही। ठीक है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार करने के लिए हमको क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले चाहिए आपको इनपुट डिवाइस, यानी कि डिवाइस की जगह आप इनपुट यूनिट भी लिख सकते हैं, जो पहले वीडियो में आपने देखा। वहाँ पर आता है कीबोर्ड और माउस, ये मिनिमम आपको लेना है, एक कीबोर्ड एक माउस लेना है। दूसरे में आता है मेमोरी, मेमोरी के अंदर आपको आएगा मेन मेमोरी और मास मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर रैम होता है और मास मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क होती है। ओके, तीसरे आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कंप्यूटर का मेन मशीन, इसके अंदर सारे बोर्ड भी हो जाएंगे, कंट्रोल यूनिट हो जाएंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएंगे, उसके अंदर छोटे छोटे पंखे भी हो जाएंगे, दो पंखे हो सकते हैं, तीन पंखे हो सकते हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक, ये आपको लेना है। चौथा लेना है आपको आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मतलब मॉनिटर तो लेना ही है, क्योंकि आप जो काम करेंगे वो दिखेगा कहाँ, यह डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद प्रिंटर, अगर आपको चाहिए प्रिंट करने के लिए तो ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं लीजिए। एक और है स्पीकर, स्पीकर लेंगे तो इसमें हमें साउंड आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जब आप ले लेंगे और इसको एक सिस्टम से जोड़ेंगे तभी बनेगा एक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या है, उसके जो एग्जांपल है कीबोर्ड माउस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप कॉपी पेन या डायरी लेके बैठे हैं और नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं लेके हैं तो आइए और लिख लीजिए, ताकि आपको ये लगे कि आप किसी कोचिंग क्लास में आप क्लास कर रहे हैं। तो इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस होता है इनपुट यूनिट कि जिसके सहारे, बाय व्हिच, जिसके द्वारा यूजर, यूजर मतलब जिस टाइम कंप्यूटर के सामने जो काम करता है उसको यूजर कहते हैं, यानी यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला। यूजर कैन गिव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन यानी कि आदेश, ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, और ये आर है, शायद एन हो गया है, और एंटर डाटा, या तो डाटा एंटर कर सकता है इनटू द कंप्यूटर। तो इनपुट यूनिट एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा साधन है जिसके द्वारा यूजर यानी कि इस्तेमाल करने वाला, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन दे सकता है या तो डाटा दे सकता है। अब डाटा का एक और मीनिंग होता है, डाटा का मीनिंग क्या होता है? डाटा मतलब हमारे पास बहुत सारे जो कि फाइलें होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उन्हें डाटा कहते हैं। जैसे कि आपने बोला, आपने देखा होगा कोई बोलता है कि इसका डेटा दो दो, उसका डेटा है, वो डेटा है, तो वो जो बोलते हैं वो यही है। डेटा मतलब एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स, या कलेक्शन ऑफ फाइल्स भी बोल सकते हैं कि बहुत सारा फाइल्स हमारे पास है, वो भी डाटा कहलाएगा। डाटा का मीनिंग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आपने कभी कभी सुना होगा बायोडाटा, बायोडाटा, बायोडाटा मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के बारे में उसकी बायोग्राफी, बायोग्राफी तो अलग हो गया, बायोडाटा मतलब उसका नाम, पता, पापा का नाम, क्या काम करता है, क्या एक्सपीरियंस है, एजुकेशन कितना है, इन सब के बारे में बायोडाटा बोलते हैं, यानी कि उसकी सारी कुंडली बताना। बायो, बायो से बायोग्राफी, बायोपिक, दुनिया भर के ये सारे बातें हैं। बायोग्राफी मतलब उसके जीवन काल के सारे घटनाएं, सारा जो भी किसी बायोग्राफी बोलते हैं। तो वो जो डाटा शब्द है वही है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे जो नॉलेज है उसको, उसको भी हम डाटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं कि इनपुट यूनिट के द्वारा यूजर कंप्यूटर के अंदर डाटा दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है काम करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कीबोर्ड और माउस। अब हम पढ़ेंगे एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है। तो यहाँ पर हमने कीबोर्ड लिखा है, तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। यहाँ पर ये विथ ये एक्स्ट्रा लग गया है। इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विथ द, मतलब हमें
मदद करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट होने के लिए, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो आपको तुरंत एक माउस या कीबोर्ड चाहिए, उसके बिना कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एरियाज। अभी हम आपको बताएंगे कीबोर्ड के अंदर जो भी पार्ट होते हैं, कीबोर्ड जो है ही उसके ऊपर जो कीज है, उन कीज को, बटन्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उसका उसका नाम क्या है। आपको मैं कीबोर्ड दिखाता हूं। ये हमारे पास कीबोर्ड है, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं एक लेयर डाल देता हूं उधर कीबोर्ड का, अच्छा सा फोटो खींच के आप देख सकते हैं। F1 से लेकर के F12, यहां पर 12 बटन यहां पे आपको दिखेगी, हर कीबोर्ड में होती है, कंप्यूटर कीबोर्ड में होती है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन कीज, ठीक है। अब फंक्शन कीज की डेफिनेशन भी हम लिखवा देंगे, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। फंक्शन कीज को इस्तेमाल करते हैं स्पेशल पर्पस या स्पेशल कुछ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर सॉफ्टवेयर में फंक्शन कीज का काम नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि टैली होता है, टैली में फंक्शन कीज की इस्तेमाल ज्यादा होती है, ओके। दूसरा हमारे पास है टाइपराइटर कीज। टाइपराइटर कीज के अंदर हमने ABCD ए से लेकर जेड स्मॉल और कैपिटल में हमने लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ सिंबल्स भी आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे बटन से जिससे हम टाइप करते हैं, और यहाँ पर कुछ सिंबल्स बनी हुई हैं, ठीक है, वो सब भी आ जाते हैं टाइपराइटर कीज के अंदर। और उसके अलावा हम नंबर्स को अलग कीज में डिवाइड किए हैं कि न्यूमेरिक कीज, यानी कि 0 से लेकर 9 तक का जो बटन है वो हमारा न्यूमेरिक कीज है। ये हम नॉर्मली बता रहे हैं जस्ट नॉलेज के लिए, बाद में इन सब के बारे में हम लिखवा भी देंगे। डी हमारे पास है स्पेशल पर्पस कीज। उसके अलावा इस कीबोर्ड के ऊपर आपको शिफ्ट, एंटर, बैक स्पेस, कंट्रोल, ALT, ये सारे जो बटन आपको दिखते हैं, कैप्स लॉक, ये सब होती हैं स्पेशल पर्पस कीज, यानी कि इनको कुछ स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे इसके इस्तेमाल प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाएंगे और थ्योरी भी आपको लिखवा देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस क्या है? माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है दैट इज यूज, जिसे इस्तेमाल किया जाता है इन एडिशन टू द कीबोर्ड, जिसको कीबोर्ड के साथ साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। इट इज हैंड हेल्ड डिवाइस, यानी कि हाथ से ही हम इसे यूज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। दैट कंट्रोल्स ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, एक पॉइंटर को कंट्रोल करता है। पॉइंटर किसे कहते हैं? आपने देखा होगा लैपटॉप और डेस्कटॉप में जैसे ऑन करते हैं तो माउस, लैपटॉप में तो माउस पैड होता है और डेस्कटॉप में होता है ये माउस, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये माउस को जब हम रोल करते हैं तो इस तरह का एक पॉइंटर आपको दिख जाता है, लेते हैं ऐसे ब्लू कलर दिया है आपको समझाने के लिए, ऐसे पॉइंटर दिखता है। जैसे माउस को हिलाते हैं पॉइंटर को हिलता है, ये जहाँ जहाँ जाता है वहाँ क्लिक करते सिलेक्ट होता है, ओके। चले आगे बताते हैं इस पॉइंटर का और काम क्या है। When the user rolls the mouse, जब कोई इस्तेमाल करने वाला यूजर मतलब इस्तेमाल करने वाला जो कंप्यूटर यूज करता है, rolls the mouse, माउस को रोल कर, रोल मतलब इस तरह से माउस को रोल करना, across the flat surface, फ्लैट सरफेस मतलब प्लेन जगह, इधर उधर करेंगे तो ये पॉइंटर हिलेगा नहीं, ठीक है, प्लेन जगह पे करते हैं। इसके लिए माउस पैड अलग से आता है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लैट सरफेस द माउस पॉइंटर, ये माउस पॉइंटर मूव्स, वो भी मूव करता है, किस तरह मूव करता है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ माउस मूवमेंट, जिस तरह से हम माउस को मूव करते हैं उस तरह से पॉइंटर भी मूव करता है, ठीक है। तो ये पॉइंटर का काम है। माउस क्या कंट्रोल करता है? पॉइंटर को ही कंट्रोल करता है पूरे स्क्रीन के ऊपर, ये माउस का काम है। उसके बाद क्या है कि ऑन द टॉप ऑफ द माउस, माउस के ऊपर 2 बटन है, एक इधर, जब हम इस तरह से हाथ रखते हैं, इस तरह से हाथ रखते हैं, देखिए माउस है, इस तरह से हाथ रखा जाता है, ठीक है। ये वाला उंगली लेफ्ट बटन, लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, और ये वाली उंगली राइट बटन, राइट क्लिक करते हैं। कुछ लोग लेफ्ट हैंड से माउस को इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर में एक सेटिंग होती है लेफ्ट को राइट बनाना, राइट को लेफ्ट बनाना। जब वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला हो जाएगा लेफ्ट, ये वाला हो जाएगा राइट, ओके, जो लेफ्ट हैंड से इस्तेमाल करते हैं, मतलब दोनों ही कर सकते हैं, ये कंप्यूटर में सेटिंग होता है, वहाँ सेटिंग कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। उसका प्रैक्टिकल क्लास तो हम प्रैक्टिकल क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया माउस। अब माउस में एक चीज़ और होता है, ये बीच में एक व्हील होता है, एक चक्का होता है, पहिया। ये क्या करता है, जब भी हम कोई पेजेस खोलते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट के नीचे और भी सारे पेजेस होते हैं, तो इसको जब रोल करते हैं तो पेज ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो रोलर का काम क्या है, पेज को ऊपर नीचे करना, चाहे वेब पेज हो, चाहे आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आप जिसकी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उसमें कभी पेज हो, ये रोलर का वो काम है, ठीक है। तो माउस का जनरली यही काम होता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ नया लेके आते हैं।